चलिए 25 साल मेरी देश की युवा शक्ति के अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड है और हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता होगा कि 25 साल में देश विकसित भारत न बने। हर किसी का सपना है, कुछ लोगों ने सपने को संकल्प बना लिया है, कुछ लोग शायद संकल्प बनाते देर हो जाएगी, लेकिन जुड़ना हरेक को होगा। और जो जुड़ भी नहीं पाएंगे और जीवित होंगे तो फल तो जरूर खाएंगे। ये मेरा आदरणीय अध्यक्ष जी, ये 5 वर्ष युवाओं के लिए बहुत ही ऐतिहासिक कानून भी बने हैं। व्यवस्था में पारदर्शिता लाकर युवाओं को नए मौके दिए गए हैं। पेपर लीक जैसी समस्या जो हमारे युवाओं को चिंतित करती थी, हमने बहुत ही कठोर कानून बनाया है ताकि उनके मन में जो सवाल या निशान था और उनको व्यवस्था के प्रति उनका गुस्सा था, उसको एड्रेस करने का सभी माननीय सांसदों ने देश के युवाओं के मन के भाव को समझ करके बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये बात सही है कि कोई भी मानव जात अनुसंधान के बिना आगे नहीं बढ़ सकती है। उसको नित्य परिवर्तन के लिए अनुसंधान अनिवार्य होते हैं और मानव जात का लाखों साल का इतिहास गवाह है कि हर काल में अनुसंधान होते रहे, जीवन बढ़ता चला गया है, जीवन का विस्तार होता गया है। इस सदन ने विधिवत रूप से कानूनी व्यवस्था खड़ी करके अनुसंधान को प्रोत्साहन देने का बहुत बड़ा काम किया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये कानून आमतौर पर रोजमर्रा की राजनीति की चर्चा का विषय बन नहीं पाता, लेकिन इसके परिणाम बहुत दूरगामी होने वाले हैं और इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम ये 17वीं लोकसभा ने किया है। मुझे पक्का विश्वास है देश की युवा शक्ति में इस व्यवस्था के कारण दुनिया का रिसर्च और का एक हब हमारा देश बन सकता है। हमारे देश की युवा के टैलेंट ऐसी है, आज भी दुनिया की बहुत कंपनियां ऐसी हैं जिनके इनोवेशन के काम आज भी भारत में हो रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हब बनेगा, यह मेरा पूरा विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 21वीं सदी में हमारी बेसिक नीड्स पूरी तरह बदल रही है। कल तक जिसका कोई मूल्य नहीं था, कोई ध्यान नहीं था, वो आने वाले में बहुत अमूल्य बन चुका है। जैसे डेटा, पूरी दुनिया में चर्चा है डेटा का सामर्थ्य क्या होता है। हमने डेटा प्रोटेक्शन बिल ला करके पूरी भावी पीढ़ी को सुरक्षित कर दिया है, पूरी भावी को एक नया शस्त्र हमने उसके हाथ में दिया है जिसके आधार पर वो अपने भविष्य को बनाने के लिए इसका सही इस्तेमाल भी करेंगे। और डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये हमारी 21वीं सदी की पीढ़ी को और दुनिया के लोगों को भी भारत के इस एक्ट के प्रति रुचि बनी हुई है। दुनिया के देश उसका अध्ययन करते हैं, अपने अपना नई नई व्यवस्था अनुकूल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और डाटा का उपयोग कैसे हो उसकी भी उसमें गाइडलाइंस है। अनेक प्रकार से प्रोटेक्शन का पूरा प्रबंध करते हुए इसका सामर्थ्य कैसे आए, जिस डेटा को लोगों गोल्ड माइन कहते हैं, न्यू ऑयल कहते हैं, मैं समझता हूँ वो सामर्थ्य भारत को प्राप्त। और भारत इस शक्ति के इसलिए विशेष है क्योंकि विविधताओं से भरा हुआ देश है। हमारे पास जिस प्रकार की जानकारी और हमारे साथ जुड़े हुआ डेटा जो जनरेट होता है, सिर्फ हमारे रेलवे पैसेंजर्स का डेटा कोई देख ले, दुनिया के लिए बहुत बड़ा संशोधन का विषय बन सकता है। उसकी ताकत को हमने पहचान करके इस कानूनी व्यवस्था को दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जल थल नभ, इस सदियों से इन क्षेत्रों की चर्चा चली है, लेकिन अब समुद्री शक्ति और स्पेस की शक्ति और साइबर की शक्ति, ये ऐसी त्रिविध शक्तियों का मुकाबला करने की आवश्यकता खड़ी हुई है। और विश्व जिस प्रकार के संकटों से गुजर रहा है,
और विश्व जिस प्रकार के विचारे प्रभाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, तब इन क्षेत्रों में हमें सकारात्मक सामर्थ्य भी पैदा करना है और नकारात्मक शक्तियों से अपने आप को हर चुनौतियों को चुनौती लेने का सामर्थ्य भी बनाना है। और उसके लिए आवश्यक स्पेस से जुड़े रिफॉर्म्स बहुत अनिवार्य थे और बहुत दूरगामी दृष्टि के साथ स्पेस के रिफॉर्म का काम हमारे यहाँ हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश ने जो आर्थिक रिफॉर्म किए हैं उसमें 17वीं के लोकसभा के सभी माननीय सांसदों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बीते वर्षों में हजारों कंप्लायंसेस बेवजह हम जनता जनार्दन को ऐसी चीजों में उलझाए रखा। ये गवर्नेंस की एक ऐसी विकृत व्यवस्थाएं विकसित हो गई, उसमें से मुक्ति दिलाने का बहुत बड़ा काम हमारे यहाँ हुआ है और इसके लिए भी ये सदन का मैं आभारी हूं। यानी इस प्रकार के कंप्लायंसेस के बोझ में सामान्य व्यक्ति तो दब जाता है। और मैंने तो एक बार लाल किले से भी कहा था, हम जब मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस कहते हैं, मैं दिल से मानता हूं कि लोगों की जिंदगी में से जितना जल्द सरकार निकल जाए उतना ही लोकतंत्र का सामर्थ्य बढ़े। रोजमर्रा की जिंदगी में हर डगर पे सरकार टांग क्यों अड़ाए। हां, जो अभाव में है उसके लिए सरकार हर पल मौजूद हो, लेकिन सरकार का प्रभाव उसकी जिंदगी को ही रुकावट बना दे, ऐसी लोकतंत्र नहीं हो सकता है। और इसलिए हमारा मकसद है सामान्य मानवी की जिंदगी से सरकार जितनी हट जाए, कम से कम उसकी जिंदगी में सरकार का नाता रहे, वैसा समृद्ध लोकतंत्र दुनिया के सामने हमने आगे बढ़ाना चाहिए। उस सपने को पूरा करेंगे। आदरणीय